बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असी डिस्कस करांगे पंजाबी पीएमएस दा पेपर वन, उन्हों किस तरह असी सॉल्व करना है। देखो, सब तो पहला पंजाबी वो पेपर है जिहदे विच तुसी बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हो। ये वास्ते चंद एक चीज़ा ने, अगर तुसी उन्होंने मद्देनज़र रखो तो वाकई तुसी ये 150 प्लस मार्क्स दोवें पेपर च लै सकते हो। देखो, पंजाबी दे पेपर दे विच जिस तरह असीं कहने कि पेपर दे विच फुल बूटे लाए जाण, ते पंजाबी ते उर्दू वाहिद पेपर ने जिन्हां दे विच तुसी फुल बूटे ला सकते हो। वो हाशिया दी सूरत विच हो सकते ने, वो मार्कर की सूरत विच हो सकते हैं। मार्कर का इस्तेमाल वो नीली हो या काली हो। देखो, सब तो पहली गल है वे कि पेपर टाइम तो 30 मिनट पहले या 20 मिनट पहले तुसी कमरा इम्तिहान पहुँच जाओ, ते नीली मार्कर दे नाल तुसी आंसर शीट के उत्ते हाशिया लाओ। जिन्ने सफ़े ने, 24-25 सफ़े ने, सारी आंसर शीट के उत्ते हाशिया लाओ, जिहड़ी मार्कर तुसी पसंद करते हो, नीली या काली। नीली ना लाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी यह गल है कि अशार की तशरीह वाला जो सवाल है वो 20 नंबर का है, वो वास्ते 7 तो 8 सफात काफ़ी ने। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स यह पूछते हैं कि एक सवाल वास्ते किन्ने सफात लिखे जाए। एक रूल याद रखो, आज कोई भी पेपर हो गए, कि एक जड़ा सफ़ा है वनू 2.5 या 3 नंबर दिया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सफ़े में तुसी 3 नंबर देंदे हो तो ये अगर तुसी 5 सफ़े लिखते हो तो वह 15 बन जाएंगे। अगर 7 लिखते हो 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत अच्छा अगर लिखता है वो 2.5 नंबर दे एक सफ़े, जिहड़ा ज़्यादा लिख सकता हो। अच्छा, तशरीह वाले चाहे अगर बाबा फरीद दे श्लोक आ जाए, शायरी दियाँ टाइप्स ने, श्लोक बाबा फरीद दे ने, काफ़ियाँ बाबा बुले शाह दिया ने, शाह हुसैन दिया ने, सी हरफी जेड़ी है वो सुल्तान बाहू रहमतुल्ला अलैह दी है, ते काफ़ी जेड़ी है वो शाह बाबा बुले शाह ते शाह हुसैन रहमतुल्ला अलैह। बाबा फरीद दे श्लोक दी सूरत विच एक श्लोक दी तशरीह वास्ते 2 तो 3 सफ़े काफ़ी ने, ते अलग अलग श्लोक दी तशरीह करोगे तुसी। अगर बाबा बुले शाह दी काफ़ी या शाह हुसैन दी काफ़ी या सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सी हरफी आ जाती है तो वह मुकम्मल होंगी एक, वो तुसी मुकम्मल ही तशरीह करोगे। तशरीह दे विच अशार, कुरानी आयात, अहादीस, अकवाल का हवाला तुसी दे सकते हो। अशार अगर उसे शायर दे हों वो भी दे सकते हो तशरीह च, दूसरे सूफी शोरा दे भी दे सकते हो अगर रिलेट करते हैं, रेलीवेंट है वो। इस तरह तुसी होर अशार भी लिख सकते हो, मतलब होर जुबान दे, उर्दू दे, फारसी दे, लेकिन उदा तुसी तर्जमा फिर पंजाबी दे विच जरूर लिखोगे। ये भी एक रूल याद रखो कि जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, उर्दू दा, पंजाबी दा, इंग्लिश दा, दूसरी जुबाना च लिख सकते हो, लेकिन उदा तर्जमा जिस पेपर च दे रहे हो उदे जरूर लिखो। फिर एक जदीद शायरी का सवाल आएगा, शायरी दी खसूसियात, वो 15 नंबर का है। वो तुसी 10 तो 12 हैडिंग्स, पहली ते आखिरी हैडिंग तारफ ते मुक दी गल हर सवाल दे विच आएगी। एक सफ़े दे विच उत्ते कम अज़ कम 2 हैडिंग, ज़्यादा तो ज़्यादा 3 आ सकती हैं। हर हैडिंग नाल शेर लिख सकते हो या हस्बे तौफीक जिन्हें तुहानू याद हो। ये भी सवाल पूछा जाता है कि हर हैडिंग नाल शेर लिखा जाए तुहानू याद हो सकता, तो बड़ी अच्छी गल है। तो वो वास्ते 5 तो 6 सफ़े काफ़ी ने, कोई ज़्यादा लिख सकता हो बहुत अच्छा, तो 7 सफ़ात भी लिख सकते हो, लेकिन तुसी टाइम मैनेज भी करना। टाइम मैनेजमेंट सब तो पहले हो, तुसी देखना है कि मैं एक सवाल किन्ने मिनट कर सकता या कर सकते। अच्छा, जदीद शायरी दे विच अगर वो जगराते पूछ लेंदा है या कच्चे घड़े पूछ लेंदा है, तो वो जगराते पूछते हैं तो शरीफ कुंजाई दे शेर लिखोगे, कच्चे घड़े दे विच सिर्फ बाकी सिद्दीकी दा लिखोगे, किसी होर दा नहीं लिखोगे। ए मैं दस चुके हैं कि एक रूल याद रखो, एक सफ़े नूं 2.5 या 3 नंबर दिया करो। अच्छा, सवाल कोई नहीं छड़ना, तो इजाफी करने का भी कोई फायदा नहीं। मिसाल तौर पर उन्हें कहा है कि 3 च 2 सवाल करो, तो सिर्फ एक आंदा है, दूसरा एवें करो नहीं भी आंदा। पैराग्राफ शुरू करने तो पहले
इंडेंट एक लफ्ज़ या एक इंच की जगह जरूर छोड़ दिए ताकि पता लगे कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। हुण असी पंजाबी पेपर वन देखते दे हैं, ये तुसी अगर सिर्फ 7 सवाल कर लो एनफ ने, ज्यादा जड़ा कर लेगा फिर जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होएगा, सिर्फ 7 सवाल। अच्छा असी देखते दे हैं, हम पहला हिस्सा जड़ा है वो 30 नंबर ने, दूजा हिस्सा भी 30 नंबर का है, तीजा हिस्सा 40 नंबर का है। पहला हिस्सा जड़ा उस 2 सवाल आएंगे, पहला सवाल 20 नंबर का, दूजा 10 नंबर का। दूजे हिस्से के जड़ा है वो 2 सवाल होंगे 15 15 नंबर के। तीजे हिस्से के 3 सवाल करने होंगे, पहला 10 का, दूजा 15 का, तीजा 15 का। हुण आ जाओ दूसरे कॉलम के, पहले हिस्से के आएंगे सवाल नंबर 1 तो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 होएगा क्लासिकी जी शायरी है उन्हों की अशार की तशरीह आएगी, वो 20 नंबर की। ये दो जुज आनगियाँ, एक की तशरीह करनी होगी। सवाल नंबर 2 10 सवालात आएंगे, उन्होंने मुख्तसर जवाबात लिखने होंगे, ये कोई चॉइस नहीं होएगी। दूजे हिस्से के आ जाओ, ये 4 सवाल आएंगे, 2 करने होंगे। तीजे हिस्से के आ जाओ, ये सवाल नंबर 7 लाजमी होएगा, 8 9 10 3 आएंगे, उन्होंने 2 करने होंगे। तीसरे कॉलम से आ जाओ, सिलेबस देख लें हम असं, यह जड़ा है पहला हिस्सा, ये क्लासिकी शायरी शामिल है। 5 शायर ने, बाबा फरीद रहमतुल्ला अलैह, शाह हुसैन रहमतुल्ला अलैह, सुल्तान बहू रहमतुल्ला अलैह, बुल्ले शाह ते ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्ला अलैह। दूजे हिस्से दे विच 7 जदीद शायर शामिल ने, उन्होंने मजमूए जड़े ने जगराते, चार चुप चीज़ा, कच्चे घड़े, चंदन रुकते, वेड़ा मवाते, गल विच पाए प्रेत मुहार, ता। सवाल नंबर 7 जड़ा है तीजे हिस्से का, वो 2 ने, ये नसर के 2 टॉपिक ने, मवाइज नोशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ते पक्की रोटी। सवाल नंबर 8 9 10 जड़ा है 3 वास्ते 4 टॉपिक ने, 2 ड्रामे ने काला पतन ते टाली दे थले, एक नावल है टावा टावा तारा ते कहानी है नूरी। हुण अगर असी पास्ट पेपर का एनालिसिस करिए तो उन्होंने विच की आया। अगर 2016 में देखा जाए तो वो बाबा फरीद गंजशहर रहमतुल्लाह अलैह दे श्लोक आए ने, ते शरीफ कुंजाई वो असी एक करना सी। 2017 के शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ते बाबा बुले शाह दी जड़ा है वो काफ़ी आई है, वो असी एक करना सी। 2019 के बाबा फरीद ते शाह हुसैन फिर उन्होंने चो एक करना सी। 2020 के बाबा फरीद के अशार ते शाह हुसैन दे फिर आ गए, असी एक करना सी। इसे तरह अगर असी दूजे हिस्से देखिए तो 2016 च आया जगराते ते चार चुप चीज़ा, 17 के जगराते ते कच्चे घड़े, 19 के कच्चे घड़े ते चार चुप चीज़ा, 2020 च जगराते कच्चे घड़े ते चार चुप चीज़ा। वैसे इस हिस्से के 4 सवाल आने ने तो 2 करने होने, लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें समझाने वास्ते कि इंपॉर्टेंट ने मैं वो लिखने। सवाल नंबर 7 जड़ा मवाइज नोशा 2016 च भी आया, 19 च भी आया, तो 20 के भी आया। पक्की रोटी जड़ा 2016 के सिर्फ आया, 2016 के मवाइज नोशा या पक्की रोटी के असलूब उत्ते चानन पाओ। असलूब कहिंदे ने मैथड ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग, उन्हों का जो अंदाज सीगा लिखण का, उहदे विच उन्हों का फन कैसा सीगा, उन्हों की जुबान कैसी सीगी, उहदियां कोई तशबियां की वरतों या इस्तेमाल किया सी, तलमियां फलां फलां। 2016 च काला पतन, टाली दे थले ते टावा टावा तारा, मतलब दोवें ड्रामे ते नावल आया। 2017 दे विच दोवें ड्रामे ते नावल ते कहानी भी आया सी। 2019 दे विच दोवें ड्रामे ते नावल आया। 2020 दे विच एक ड्रामा आया काला पतन, ते नावल ते कहानी उन्होंने पूछा हुआ सी। हुण सानू किहड़े ने जिहड़े जरूर करने चाहिए ने ते किहड़े असीं छड्ड सकते हैं। अगर असीं ये अशार तशरीह देखिए तो बाबा फरीद ते शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दे जिहड़े अशार ने उन्हां दी तशरीह सानू जरूर करनी चाहिए है। अगर असी होर चाहिए कि साढ़े को टाइम है तो बाबा बुले शाह तो सुल्तान बाहू असी कर सकते हैं, सुल्तान बाहू की सी हरफियां तो बाबा बुले शाह दियाँ काफ़ी। बाबा फरीद तो शाह हुसैन जोड़ा यह सू जरूर करना चाहिए, बाबा फरीद के श्लोक तो शाह हुसैन दियाँ काफ़ी। अच्छा दूजे हिस्से के जोड़ा 7 जदीद शेरी शायरी के मजमूए ने, उन्होंने अगर असी 3 कर लीए, 16 च भी जगराते चार चुप चीज़ा आया, 2017 के भी जगराते कच्चे घड़े आया, 2019 के भी कच्चे घड़े चार चुप चीज़ा आया, तो 20 के भी जगराते घड़े चार चुप चीज़ आया। मतलब अगर 3 टॉपिक असी कर लीए
जगराते कच्चे घड़े ते चार चुप चीजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगर करना चाहिए तो दो होर कर लेने चाहिए ने, मवाते ते ता, फिर साढ़े पांच टॉपिक हो जाएंगे, टोटल सात ने, दो चॉइस ते छड़ सकते हैं क्योंकि चार ही आने ने। लेकिन अगर कोई बंदा उन बड़ा यकीन है तो वो सिर्फ तीन कर लेवे, जगराते कच्चे घड़े ते चार चुप चीजा। ठीक है जी, लेकिन तुसी मैनू बाद च नहीं कहोगे क्योंकि ये मैं एक एनालिसिस दे रहा तो तुसी अपने मुताबिक करोगे, मैं कोई गैस नहीं दे रहा। अच्छा जी, ये जरा तीन करोगे जगराते कच्चे घड़े चार चुप चीजा, बाकी बचते ने चार, उन्होंने दो कर लोगे दो छड़ दोगे, वो थोड़ी तो मर्जी है, मवाते ता कर लो या गल विच पाए प्रेत मुहारी या चंद्र रोक ते वेड़ा कर लो, कोई दो कर जेडे तो आसान लगे। मवाइस सवाल नंबर सात आ जाओ, तीजा हिस्सा, मवाइस अच्छी तरह तैयार करो, जेडे छे वाज ने नौशा गंज बख्श रहमतुल्ला अलैह दे, उन्होंने तैयार करो, फिर वो असलूब उत्ते चानण भाव अक्सर वो पूछ लेंदा है कि वो जुबान कैसी है, केड़ी केड़ी चीज़ का वो उन्हें इस्तेमाल किया है, कुरानी आयात का उन्हें इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, किन्हां नाल मुखातब है वो, कैसा रंग तबलीगी रंग पाया जाता है वो, खतीबाना रंग पाया जाता है, सारिया चीज़ वो सवाल तैयार करो, मतलब ए दो दे हो जाएंगे, एक वाज छे दे छे, अक्सर वो पूछते हैं असलूब उत्ते चानण भाव, कभी वो पूछ लवे दूजे ते तीजे वाज दा, तुसी जेड़ा है वो फनी जायजा लो तो फिर सिर्फ दूजे ते तीजे दा सी लिखा। दूसरा पक्की रोटी दे असलूब भी पढ़ लो, सवालन जवाबन सूरत च लिखी हुई है, ये भी 8-10 हैडिंग याद कर लो, पहली तारफ ते आखिरी मुक दी गल तो है ही है, इनू पढ़ लो, मवाइज हर साल आंदा है, पक्की रोटी भी पढ़ लेना चाहिए, मवाइज अच्छी तरह तैयार करो। बाकी बचते ने दो ड्रामे, काला पतन दे टाली दे थले जरूर करो, नावल या कहानी दे विच एक कर लो, कहानी आसान है नूरी ओ कर लो। ठीक है जी, हुण ए हैगा कि इन्हां नूं किदां तैयार करिए, बाबा फरीद दे श्लोक जिहड़े ने वो आम मार्केट से जिहड़ियां किताबां ने उन्हां दी शायद तशरीह तो ना मिले, ते मेरा जिहड़ा फेसबुक दा ग्रुप है उहदे विच तुहानूं वो बाबा फरीद दे 60 श्लोक मिल जाएंगे, ग्रुप पे जाके तुसी लिखोगे श्लोक बाबा फरीद, वो मैं एक दो नंबर तीन चार नंबर वाइज मैं इस तरह दिते हुए ने, 60 श्लोक तुहानू मिल जाएंगे। शाह हुसैन दी काफ़ियाँ मेरे यूट्यूब चैनल के उत्ते तुहानू जिहड़े वो मिल जाणगियां, वो कुछ 7-8 काफ़ियाँ ने, तुहानू तरीका पता लग जाएगा कि तुसी उहनू जिहड़े तशरीह करनी किस तरह है, कि पहले तुसी शायर का नाँ लिखोगे, फिर तुसी थोड़ा जिहा शायर का तारुफ लिखोगे एक पैराग्राफ, फिर तुसी जिहड़ा है औखे लफ्ज़ां दे माने लिखोगे अगर आंदे होणगे तां, सिनफ शायरी शुरू शुरू च लिखोगे कि ये श्लोक है, सी हरफी है, काफी है, की है, इसे तरह तुसी जिहड़ा है फिर उहदी तशरीह करोगे। तशरीह दे विच तुसी इस सूफी शायर दे भी पा सकते हो जिहदा शेर आया होएगा, या किसी होर सूफी शोरा दे भी तुसी जिहड़ा वो अशार पा सकते हो, कुरानी आयात पा सकते हो, उहदा टॉपिक तुसी ढूंढोगे की है, कि वहदत उल वजूद दे उत्ते हैगा है या दुनिया दे फानी होने का जिक्र है, फिर वो रिलेट करते हुए दूसरे सूफी शोरा दे तुसी अशार पा सकते हो, ते ये तुसी 7 तो 8 सफ़े लिखोगे, अगर श्लोक आ जाते हैं बाबा फरीद दे तो हर श्लोक का दो दो तीन तीन दो दो सफ़े अलग अलग करोगे तुसी श्लोक की शायरी, अगर शाह हुसैन की काफ़ी आ जाती है या बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी आ जाती है तो वो तुसी कट्ठी की तशरीह करोगे। अच्छा, इसे तरह जड़ा तुसी बाबा बुल्ले शाह दी काफ़ियाँ या सुल्तान बोहरे मतुल्ला अलैह दी सी हरफियाँ भी कितों देख सकते हो, कर सकते हो, ए अगर तुसी बाबा फरीद दे शाह हुसैन दे कर लेंदे हो तो तुहानू एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कोई भी आ जाएगा फिर तुसी कर लोगे, जिहड़े सूफिया ने इन्हां दे मौजूआत शायरी दे तकरीबन सेम ने, इक्को जिहियां गल्लां उन्होंने कीतियां ने, मतलब उन्होंने वहादत उल वजूद का तस्करा किया है, उन्होंने अपने मुर्शद का तस्करा किया है, ठीक है, अल्लाह नाल मोहब्बत का किया है, दुनिया फानी है इस चीज़ का तस्करा किया है। अच्छा जी, अगे आ जाओ, जगराते कच्चे घड़े ते चार चुप चीज़ा, ये तुसी तैयार जड़ियाँ तुहाडे को किताबा ने, कोई किताब हो किसी के नोट्स लैण की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, जड़ी किताब है तुहाडे को उस चो तुसी मैं 10-12 हैडिंग कढ़ो, ते तारुफ दे विच उन्हें जो पूछा होएगा कि जगराते जिहड़ा है इहदा शरीफ कुंजाई का मजमूआ है, तो शरीफ कुंजाई नूं मोढ़ी शायर आख्या जाता है, मतलब बुनियादी शायर जदीद शायरी का,
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਂ ਤਾਰੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਰ ਆਫ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਅਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ 8-10 ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ ਸੇਮ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਰੁਮਾਨਵੀਅਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈਡਿੰਗ ਲੱਭ ਲਓ, ਅਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 4 ਮਿਸਰੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, 3 ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸੌਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਸ਼ੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਸਫ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨਗੇ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਵਾਇਜ਼ ਨੋਸ਼ਾ ਗੰਜਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੂਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। 10 ਤੋਂ 12 ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਤੋਂ 6 ਸਫ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਸਲੂਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ। ਕਾਲਾ ਪਤਨ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, 03-21-737-5138। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਪਰ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸਾਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ।